तेरे बिन, तुझको फिर से जलवा दिखाना ही होगा, अगले बरस आना है आना ही होगा। तुझको फिर से जलवा दिखाना ही होगा, अगले बरस आना है आना ही होगा। देखेंगी तेरी राहें प्यासी प्यासी निगाहें, तो मान ले तू मान भी ले कहना मेरा, लौट के तुझको आना है, सुन ले कहता दीवाना है, जब तेरा दर्शन पाएंगे चैन तब हमको पाना है। खुशियों के दिन हो के गम का जमाना, दिल बस लेता है नाम तेरा। तेरे ही कारण है जीवन सुहाना, तू ही तो मन में तमन में बसा। हर घड़ी ध्यान रहे तेरा, मैं हूँ तेरा चाहन वाला, जपता हूँ तेरी माला, तो मान ले तू भीले कहना मेरा, लौट के तुझको आना है, सुन कहता दीवाना है, जब तेरा दर्शन पाएंगे चैन तब हमको पाना है। ओ मोरिया 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 रे पापा, मोरिया 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 रे, मोरिया 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 रे पापा, मोरिया 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 रे। तुझको फिर से जलवा दिखाना ही अगले बरस आना है आना ही होगा। हरता वार्ता विघ्नाची, नुर्वी पूर्वी प्रेम कृपा जयाची, सर्वांगी सुंदर उटी सिंदूराची, कंठी झलके माळ मुक्ता फणाची। जय देव जय देव, जय देव जय देव, जय मंगल मूर्ति श्री मंगल मूर्ति, दर्शन मात्रे मने कामना पूर्ति। जय देव जय देव, जय देव जय देव,
देखिए ऐसा है कि सभी जानते हैं कि पिछले दो साल से कोविड का काल चल रहा था और दो साल के बाद महाराष्ट्र में सरकार भी बदली हुई और माननीय मुख्यमंत्री जी और देवेंद्र फडणवीस जी ने एक निर्णय लिया कि गणपति दहीहंडी और नवरात्र ये जितने भी सारे त्यौहार हैं बड़े धूमधाम से मनाया जाएगा। तो मैं सरकार को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने हमें सारे त्यौहार हर्षोल्लास के साथ खुली छूट दी, इसके कारण ये संभव हो पाया। ये सबसे बड़ा मुद्दा तो मेरा गणपत पाटिल नगर का ही है, सभी जानते हैं साईं बाबा नगर, आज़ाद नगर, स्नेहचाल, जहाँ पर मूलभूत सुविधा से लोग परेशान हैं, मैं उसके लिए लड़ रहा हूँ। और गणपत पाटिल नगर में 15,000 झोपड़पट्टी है जिसको न्याय दिलाने का काम आने वाले समय में करूँगा। वहाँ पर लाइट और पानी हमने लाया, आने वाले समय में गटर, रोड और पक्का मकान ये देने का मेरा वादा है और लोगों का मुझको भरोसा भी है। और बहुत जल्द मुंबई महानगर पालिका का चुनाव हम जीतेंगे वार्ड नंबर 1 का और सभी का कार्य हम पूरा करेंगे। जी सर, देखिए राम यादव एक छोटा व्यक्ति है, बड़ा व्यक्ति नहीं है। मैं चाहता हूँ कि हमारी पार्टी जनता पार्टी बढ़े और भविष्य में इतनी बड़ी बने कि शायद एक में वो पार्टी ये रहे, क्योंकि यहाँ पर ईमानदारी और जो काम करने की शैली है वो मुझे पसंद आती है। नरेंद्र मोदी हो, देवेंद्र जी हो, यहाँ पर गोपाल शेट्टी, मनीषा ताई, ये सारे अच्छा काम करते हैं और इन्हीं को देख के मैं आगे प्रेरणा लेता हूँ और आगे आने वाले समय में इन्हीं के जैसा मैं काम करना चाहता हूँ। गणपति बप्पा।